आज हम देखेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ही टाइप रहता है तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है

हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि ये हमने टू इनपुट्स लेके दो ट्रांजिस्टर लेके हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है और दो इनपुट लेके जो ट्रांजिस्टर लेके बनाया है सर्किट वहाँ ये है हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर के सर्किट को हमने दो इनपुट दिए हैं दो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 के बेस से इनपुट दिया है और आउटपुट लिया है कलेक्टर टर्मिनल से The two transistors, Q1 and Q2 रेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे जो दो ट्रांजिस्टर से डिफरेंशियल एम्पलीफायर में Q1 वन और क्यू टू दोनों को एक आइडेंटिकल मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है

सी टू ये भी इक्वल है और उनका जो मैग्नेट्यूड है पॉजिटिव वी सी सी पॉजिटिव जो सप्लाई वोल्टेज है वो जो मैग्नेट्यूड है निगेटिव वी ई से उसके साथ इक्वल है और ये जो वोल्टेजेस हम यहाँ पे मेजर करने वाले हैं जो पॉजिटिव वीसीसी और निगेटिव वीसीसी जो यहाँ पे मेजर करने वाले हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू हम यहाँ पे ग्राउंड से मेजर करेंगे तो जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर हमें देखना है उसके लिए हमें जो सर्किट्स हमने यहाँ पे देखे हैं तो इस फिगर में हमें देखा है कि दो ट्रांजिस्टर्स यूज किए हैं दोनों ट्रांजिस्टर्स के बेस टर्मिनल को हमने इनपुट लिया है तो इस फिगर के हिसाब से जो दो टू पॉजिटिव वीसीसी एंड माइनस वी ये जो सप्लाई वोल्टेज के टर्मिनल से आर मेड द कॉमन ये कॉमनली लिए गए हैं और क्यों क्योंकि क्यूंकि सेम है इक्वल है इसलिए उसको हमने कॉमन लिया है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है टू इमिटर्स आर ऑल्सो कनेक्टेड एंडल कॉम्बिनेशन ऑफ दर यहाँ पे दो इमिटर कॉम्बिनेशन लिया है और उसको रिप्लेस किया गया है एक सिंगल रजिस्टेंस है वो है आर रे। इ जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो आर इन है जो ट्रांजिस्टर क्यू वन के इमिटर टर्मिनल के एक्रॉस में रजिस्टर है और Q2 के में जो रेजिस्टर है वो है हमारे पास RE2 तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके दोनों को इक्वली हम मेंशन करके यहाँ पे एक टोटल रेजिस्टेंस RE लेने वाले हैं द टू इनपुट सिग्नल जो इनपुट टू सिग्नल्स है ट्रांजिस्टर Q1 के बेस में वो है V इन मतलब इनपुट वोल्टेज और ट्रांजिस्टर टू मतलब Q2 के बेस टर्मिनल में जो इनपुट वोल्टेज है वो है V इन टू ये दोनों हमने ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल Q1 और Q2 को अप्लाई किए हैं और आउटपुट वोल्टेज जो हमने लिया है वो दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर टर्मिनल के बीच में लिया है जो भी आउटपुट वोल्टेज लिया है हमने तो वो दोनों कलेक्टर्स दोनों जो ये ट्रांजिस्टर से क्यू वन और क्यू टू उनके जो कलेक्टर है उसके बीच में हमने आउटपुट तो कलेक्टर जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है हमने उसको भी इक्वल लिया है ट्रांजिस्टर Q1 के अक्रॉस में जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है वो आरसी वन है और ट्रांजिस्टर क्यू के अक्रॉस में जो रेजिस्टेंस है वो आरसी टू है तो उसको इक्वल टू हमने यहाँ पे आरसी मतलब एक टोटल रेजिस्टेंस कैपेसिटर रेजिस्टेंस हमने कलेक्टर रेजिस्टेंस यहाँ पे सिलेक्ट किया है आइडियली द आउटपुट वोल्टेज इज जीरो आइडियली रहता है जो वीओ रहता है वो जीरो रहता है जब दोनों इनपुट्स इक्वल रहते हैं दोनों इनपुट्स जब इक्वल रहेंगे तो उनका जो आइडियली जो आउटपुट वोल्टेज है वो जीरो रहेगा जब इनपुट वोल्टेज वन ये ग्रेटर रहेगा इनपुट वोल्टेज टू से तो आउटपुट वोल्टेज जो है उसकी पोलैरिटी डायग्राम में दिखाया है उस हिसाब से रहेगी अगर q2 का जो आउटपुट वोल्टेज है वो ग्रेटर रहेगा q1 से तो इस डायग्राम में जो पोलैरिटी हमने देखी है वो पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी इसी तरह इसमें जो पोलैरिटी हम देख रहे हैं तो वो polarity V in one, मतलब transistor Q one, के across में जो वोल्टेज है वो greater है कि से उसके हिसाब हम पे polarity decide करेंगे। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हमने ये देखा कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो टू इनपुट सर्किट दैट एम्पलीफाइज ओनली द डिफरेंस बिटवीन इट्स इनपुट जो दो इनपुट सर्किट से दो इनपुट वोल्टेज है उसका जो डिफरेंस है उसको एम्प्लीफाई करने के लिए हम यहाँ डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करते हैं ऑपरेशनल जो है वो हमने देखा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करने के लिए यूज होता है और डिफरेंशियल एम्प्लीफायर इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस के एम्प्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं इसीलिए हम ये फॉर्मूले से इसको डिस्क्राइब करेंगे वी आउट मल्टीप्लाई बाई वी इनपुट माइनस वी इनपुट निगेटिव इनपुट और इसके हिसाब से हम आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते तो है तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक टाइप है इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लीफायर का जो कर रहा है यहां पे डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट वोल्टेजेस जो दो इनपुट वोल्टेजेस का डिफरेंस है उसको एम्प्लीफाई करने का काम डिफरेंशियल एम्पलीफायर कर रहा है और वो एक इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लीफायर है पर वो सप्रेस भी कर रहा है तो क्या सप्रेस कर रहा है वो एनी वोल्टेज कॉमन टू द टू इनपुट्स दो इनपुट वोल्टेज में जो भी वोल्टेज कॉमन है, है उसको भी वो सप्रेस कर रहा है तो इट इज द द एनालॉग सर्किट्स विद टू इनपुट्स मतलब यहां पे जो हम सर्किट देख रहे हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर का उसके पास दो इनपुट्स है इनपुट वन निगेटिव है इनपुट टू पॉजिटिव है और दोनों का हम डिफरेंस लेके आउटपुट फाइंड आउट करेंगे जिसमें हमने एक गेन भी लिया है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जैसे ले रहे हैं हम तो जैसे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको एम्पलीफाई करते हैं पॉजिटिव वोल्टेज और निगेटिव वोल्टेज और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस को हम एम्पलीफाई कर रहे हैं ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होते हैं जैसे कि ये यूज होते हैं एक इलेक्ट्रिकली नॉइजी एनवायरनमेंट्स जहाँ पे बहुत लो एम्पलीट्यूड है और लो एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिकल सिग्नल से तो वो जो इजीली करप्ट हो जाता है बाय द इफेक्ट ऑफ द अनवांटेड एक्सटर्नल नॉइज जो एक्सटर्नल नॉइज की वजह से लो एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो करप्ट हो जाते हैं तो उनको करप्ट होने से बचा, बचाते हैं और उनको एम्पलीफाई करता है तो ये काम मेनली होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का इसमें डिफरेंट सिनारियो हम देखते हैं जैसे ए सिंगल एंडेड एम्पलीफायर would be unsuitable since it would also amplify the unwanted noise signal as well as the desired input signal jo hame single yahan pe ended amplifier hum le rahe hain to wo usme jo hame amplify karna hai क्या amplify करना है तो जो unwanted noise signal जो आ रहा है उसको हमें reduce करके जो desired input signal है उसको amplify करना है तो वहां पे हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करते हैं तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर मेनली वर्क्स करता है ऑन द प्रिंसिपल दैट अनवांटेड इलेक्ट्रिकल नॉइज कपल्स इक्वली ऑन टू द बोथ इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द एम्पलीफायर जो अनवांटेड इलेक्ट्रिकल नॉइज है जो सर्किट्स uh, में आ गया है उसको रिजेक्ट करना है उसको रिड्यूस करना है उसको कम करना है तो वहां पे हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं और जो सिग्नल है जो हमें रिक्वायर्ड सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करने का काम यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर करता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर और भी यूज होता है फ्रंट एंड ऑफ द एनालॉग सिस्टम्स में जहां पे डिटेक्ट करता है वो लो एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज ए डिटेक्टर भी वो यहाँ पे यूज हो रहा है कि वो लो एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रहा है जैसे ईसीजी मॉनिटर में हार्ट रेट को डिटेक्ट कर रहा है इस टाइप के वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है जो बहुत कम मिली के है उसको वो एम्प्लीफाई करने का यहाँ पे काम करता है ये होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर